गुड इवनिंग टू ऑल जायरा रीना रूबी वेरी गुड इवनिंग बच्चों कैसे हैं आप लोग हाउ आर यू एंड हाउ इज योर स्टडी होप इट्स गोइंग ऑन वेल तो चलिए बच्चों अपना वर्क शुरू करते हैं आज फिर हम और आज लेते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट सिक्स स्पेशली फॉर सुपर टेट एल टी टेट एंड सी टेट एग्जामिनेशन आई वेलकम यू ऑन दिस चैनल इंग्लिश बाई चन्मेशर तो क्लास बच्चों आपकी लाइव हो चुकी है सभी बच्चे लाइव आ जाएं क्लास में और चलिए शुरू करते हैं ऑल राइट बच्चों तो चलिए लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर वन तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर वन अब बच्चों ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर वन टू टेन वी हैव टू टेक द कॉमन एरर्स हियर फ्रॉम हमें इसमें बेसिकली क्या ढूंढना है हमें इसमें कॉमन एरर्स को देखना है तो जैसे क्वेश्चन नंबर वन आपके सामने है सब बच्चे देखेंगे ध्यान से और क्वेश्चन नंबर वन को फाइंड आउट करेंगे आई डिसलाइक माई चाइल्ड वॉचिंग टीवी द टाइम तो बताइए इसमें कहां पे एरर है और अगर कोई भी एरर नहीं है तो आप आंसर करेंगे ई e. जी अंश गुड इवनिंग रूबी गुड इवनिंग रीना जायरा तो सब बच्चे बताएं आंसर हमारा इसमें क्या बनेगा इफ यू टेक द एरर इन एनी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस वट शुड बी द आंसर जी जूली गुड इवनिंग ओके जायरा ने आंसर दिया है डी यहां पे ठीक है बाकी बच्चे बताएं तो बच्चों ध्यान से देखेंगे अगर आप सेंटेंस को देखें आई डिसलाइक माई चाइल्ड अब जरा इस पे फोकस करो माई चाइल्ड आगे क्या है वॉचिंग टीवी तो बच्चों गलत है आई डिसलाइक माई चाइल्ड वॉचिंग टीवी जब आप वॉचिंग लगा रहे हैं यहां पे तो आपको क्या लगा या तो होता भाई माई के साथ में आप सीधा वॉचिंग लगाते लेकिन अगर माई के साथ में नाउन आ जाए तो एपोस्ट्रोपी एस लगाना आपको जरूरी है तो सेंटेंस कैसे बनेगा आई डिसलाइक माई चाइल्ड मेरे बच्चे की वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम तो आंसर आपका क्या बनेगा बी समझ में आ गया सब बच्चों को तो हम इसमें बनाएंगे आई डिसलाइक माई चाइल्ड वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम करेक्ट एवरी वन तो आंसर हमारा यहां पे बी फोर बॉम्बे बनेगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू हम देखते हैं बच्चों और देखिए जरा क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर टू में है दीज पीपल गेट देयर बाथ वॉटर फ्रॉम द रिवर एंड देयर ड्रिंक वॉटर फ्रॉम अ वेल तो बताइए यहां पे किस पार्ट में गलती है एरर हमें किस पार्ट में मिलेगी बच्चों इट्स ऑल राइट रूबी कोई बात नहीं है अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों तो अगर हम क्वेश्चन नंबर टू को देखें तो इसमें हमें कहां पे एरर uh, नजर आ रही है वो आपको फाइंड आउट करना है क्या दीज पीपल में होगा गेट दियर बाथ वॉटर में होगा फ्रॉम द रिवर या फिर एंड देयर ड्रिंक वॉटर फ्रॉम अ वेल डी रेणु ने कहा है ओके okay, ठीक है बाकी बच्चे बताएं क्या आंसर बनेगा हमारा वोट शुड बी द आंसर तो बच्चों बिल्कुल सही है आंसर आपका डी ही बनेगा करेक्ट रीना जूली रूबी क्योंकि अगर हम यहां पे देखें तो देखो लिखा बाथ वोटर ये बिल्कुल करेक्ट है बाथ वोटर नहाने का पानी है ना लेकिन बच्चों जब नीचे आते एंड दे ड्रिंक वाटर नहीं होगा बल्कि अब मुझे बताइए क्या आवाज आपके पास पहुंच रही है बच्चों क्या सब बच्चों को आवाज आ रही है बढ़िया से जी अब आवाज ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है इट्स ऑल राइट तो देखो क्वेश्चन नंबर थ्री को हम यहां पे देखेंगे और आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में गलती हमारी होगी तो क्या आंसर दिया सब बच्चों ने क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर देंगे आप लोग क्लियर है बहुत अच्छे रेनू बताइए बच्चों क्या आपका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर थ्री का तो आप देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे यहां पे लिखा है इट इज एविडेंट टू मी दैट देर वाज एनी मिस्टेक तो बच्चों जब आप एनी लगाते हैं तो ये गलत होगा आपको पता है एनी अगर आता है तो वो किस में आता है या तो इंटेरोगेटिव में आता है, है ना या फिर आता है नेगेटिव में तो नेगेटिव और इंटेगेटिव दोनों में हम यूज कर सकते हैं एनी को लेकिन एनी यहां पे लिखा इट वाज एविडेंट टू मी दैट देयर वाज एनी मिस्टेक ये गलत हो जाएगा यहां पे क्या आएगा देयर वुड सम मिस्टेक तो एनी को रिप्लेस करता है सम इस तरह के सेंटेंस में तो सम मिस्टेक इन दैट अकाउंट और अगर हम एनी की बात करें तो सम कैसे बनेगा इज देयर एनी मिस्टेक इन दिस अकाउंट देयर इज नो एनी मिस्टेक इन दिस अकाउंट ऐसे बनाएंगे आप इसमें तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहां पे आंसर वुड बी सी क्योंकि सी में गलती है अगले क्वेश्चन पे देखेंगे फोर नंबर ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर एज टू हिज मेरिट्स तो बताइए क्या गलती है सेंटेंस में क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे सब बच्चे और इसमें फाइंड आउट करेंगे गलती हमारी क्या है ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर एज टू हिज मेरिट्स तो बच्चों देखो इसमें क्या बनेगा ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर अवेयर के साथ बच्चों आप क्या लगाते हैं ऑफ लगाते हैं सबको पता है तो क्या बनेगा ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर ऑफ टू हिज मैरिट्स करेक्ट बात होगी तो अवेयर के साथ में आपको ऑफ का यूज करना है ना कि एस का यूज करना है तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पे बी बन जाएगा ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे फाइव नंबर क्वेश्चन ही डिक्लेयर्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल बताइए यहां पर क्या गलती है अगर हम बच्चों इस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें कोई भी गलती आपको नहीं मिलेगी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है ही डिक्लेयर्ड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस दैट इट वाज नॉट पॉसिबल तो आंसर बनेगा नो एरर क्वेश्चन नंबर पे आते हैं क्रॉसिंग द रोड अ कार नोक हिम डाउन मतलब रोड को क्रॉस करते हुए एक कार ने उसे कुचल दिया तो क्या बनाएंगे इसमें बच्चों यहां पर सिर्फ एक ही गलती है देखो अ कार नोकड हिम डाउन आगे क्रॉसिंग द रोड तो इसमें क्रॉसिंग की बजाय क्या आएगा वाइल क्रॉसिंग द रोड वाइल क्रॉसिंग द रोड ये सेंटेंस करेक्ट होगा तो हमें शुरू में यहां पे, crossing से पहले वाइल जोड़ना पड़ेगा ये कंजंक्शन का वर्क करेगा तो वाइल क्रॉसिंग द रोड सेंटेंस करेक्ट हो गया है क्वेश्चन नंबर सेवन पे आते हैं the captain with all his team were held responsible. बताओ इसमें क्या बनेगा बच्चों सबको पता है कि विद से जुड़े हैं विद से दो सब्जेक्ट जुड़े हैं द कैप्टन और दूसरा ऑल हिज टीम तो बच्चों विद से जुड़ने पे पहले वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आती है और यहां पे क्या आ रही है वर तो क्या हो जाएगा यहां पे यहां पे बनेगा आपका वॉज डन एवरी वन ठीक है अनुराधा ऑल राइट हां जी बच्चों वो आएगा रीना बिल्कुल सही है जायरा करेक्ट बात है आपका आंसर यहां पर बनेगा सी क्वेश्चन नंबर एट बांग्लादेश हैज कम इन टू एक्जिस्टेंस थर्टी ईयर्स अगो तो बताइए इस सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है वट माइट बी द एर इन दिस सेंटेंस बांग्लादेश हैज कम इन टू एक्जिस्टेंस थर्टी ईयर्स अगो तो क्या आंसर बनाएंगे बच्चों देखो जब हम ऐसे देखते हैं कि बांग्लादेश हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस 30 इयर्स एगो तो बच्चों की हमारी हो गई और पास्ट की बात जब हम करते प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनाते बल्कि किस में बनाते पास्ट में इसको बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे बांग्लादेश केम इनटू एग्जिस्टेंस पास्ट इंडेफिनेट की बात है समझ में आ रही है सबको तो हम इसे पास्ट इंडेफिनेट में करेंगे और आंसर हमारा क्या बनेगा यहां पर हैज कम की जगह केम आएगा टेन बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट हमारा हो गया नाइन नो सुनर डिड सी शो मी देन केम अप एंड स्पोक टू मी बताइए इस सेंटेंस में आपकी क्या गलती होगी नाइन नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन में आपकी क्या एरर होगी बहुत ध्यान से देखेंगे सब बच्चे ऑल राइट right. बी में आप गलती बता रहे हैं रीना टीके है, जूली देखो बच्चों बिल्कुल सही है बी आंसर बनेगा इसका अगर हम देखें नो सुनर डिड तो सबको पता है कि नो no सोनर से शुरू होगा तो डेड आएगा लेकिन डिड के साथ में हमेशा वी बन आती है वी टू कभी नहीं आता तो क्या बनेगा यहां पे यहां पे बच्चों सी बनेगा नो सोनर डिड सी सी मी देन शी केम अप एंड टू मी हां बिल्कुल सही है जूली करेक्ट हो गया बच्चों संध्या जायरा रीना रूबी बहुत अच्छे अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टेन हमारा हो गया नो मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल एज द ताजमहल तो बताओ इसमें क्या गलती है देखो नो से शुरू है नो मोन्यूमेंट इन वर्ल्ड इज सो ब्यूटिफुल एज द ताजमहल तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं सो के साथ में आ जाएगा तो इसमें कोई भी एरर नहीं है आंसर आपका डी बनेगा जी हिना गुड इवनिंग अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों और अब हमारा पैटर्न भी बदल जाएगा इसमें देखो क्या इसमें लिखा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव चॉइस गिवन बिलो ईच तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर इलेवन में द शॉपकीपर डज नॉट हैव द टॉयज आई वॉज लुकिंग तो शॉपकीपर के पास में वो टॉय नहीं थे जो मैं क्या कर रहा था आई वॉज लुकिंग बाई अबाउट फोर या फिर टू आपको करेक्ट प्रपोजिशन भरना है तो बताओ क्या आएगा बच्चों यहां पे सो एज तो नेगेटिव के लिए होता है सो एज नेगेटिव के लिए होता है आपने बताया तो देखो नेगेटिव तो आ रहा है नो मोन्यूमेंट इन द वर्ल्ड ठीक है रीना हा फोर आएगा हीना जायरा जूली रूबी बिल्कुल सही आंसर है ये बच्चों फोर बनेगा तो इसका मतलब है ना आई वो लुकिंग फोर यानी कि जिसको मैं तलाश रहा था वो उसके पास थे ही नहीं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बुक्स आर वेरी ओपन कंपेयर्ड तो बताओ क्या आएगा कंपेयर्ड के साथ में कंपेयर टू ग्रेनरी विद्रेनरी बाई अ ग्रेनरी या फिर एट अ ग्रेनरी हां राधा बिल्कुल सही है फोर आंसर है राहुल बिल्कुल ठीक है राहुल सी आप कह रहे हैं ओके करेक्ट आंसर है रीना ठीक है जी तो बच्चों बताइए इसमें क्या आएगा कंपेयर के साथ में हम क्या प्रपोजिशन यूज करते हैं क्वेश्चन आपका सीधे सीधे ये है बिल्कुल सही बात है रीना टू आएगा रूबी जूली बहुत अच्छे हीना तो बच्चों यहां पे टू कंपेयर के साथ में टू आता है लगता विद है लेकिन हमें क्या लगाना है टू टू करेक्ट आंसर बुक्स वेरी ओफन कंपेयर टू अ ग्रेनरी क्वेश्चन नंबर अच्छा डिवाइड ट्वेल्व मैंगोज देखो क्या लिखा है डिवाइड मैंगोज तो यहां पे क्या आएगा अमंग बिटवीन फोर या टू थ्री बॉयज तीन बच्चों के बीच में आपको बांटना है तो आप कैसे डिवाइड करेंगे जी अंश बिल्कुल ठीक है रीना करेक्ट आंसर है आपका तो हम बच्चों डिवाइड ट्वेल्व मैंगोज को क्या करेंगे अमंग थ्री बॉयज बिटवीन थ्री बॉयज फोर थ्री बॉयज या फिर टू अमंग आएगा बिल्कुल सही है राहुल संध्या एग्जैक्टली exactly रूबी तो बच्चों क्या बनेगा आपका अमंग बनेगा क्योंकि दो से ज्यादा की कंडीशन जब भी होगी हम वहां पे अमंग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टू रीच देयर विलेज दे हैव टू चेंज तो बताओ दे हैव टू चेंज ऑन ए स्मॉल ट्रेन टू ए स्मॉल ट्रेन ओवर ए स्मॉल ट्रेन या फिर इन टू अ स्मॉल ट्रेन एट द जंक्शन हां राधा बिल्कुल ठीक है जायरा बहुत अच्छे बता दिया सब लोगों ने तो क्या फोर्टीन में हम क्या भरेंगे हैव टू चेंज अ स्मॉल ट्रेन एट द जंक्शन तो बच्चों हम क्या बनाएंगे यहां पे ऑन टू ओवर या फिर इन टू तो बिल्कुल बच्चों ये हमारा आंसर बनेगा यहां पे इनटू चेंज इनटू हां जी चेंज इनटू में आएगा समझ में आ गया सब बच्चों को चेंज इनटू स्मॉल ट्रेन एट द जंक्शन अगले क्वेश्चन पे आएंगे सब लोग मोहन विल नेवर पास हिज एसएससी एग्जामिनेशन इफ ही वर्कस हार्ड अनलेस ही वर्क हार्ड सिंस ही वर्क हार्ड बिकॉज ही वर्क हार्ड तो बताइए इसमें क्या बनेगा के मतलब वो कभी भी एग्जामिनेशन को पास नहीं कर सकता जब तक वो कठिन परिश्रम नहीं करता ये मीन्स बनना है बिल्कुल सही है जायरा हीना ये अनलेस आएगा बच्चों कंडीशन की बात की है तो बच्चों हम क्या लगाएंगे यहां पे अनलेस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं देखो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है देखो इसमें क्या करना है चार ऑप्शंस देखने हैं आपको ये जो अंडरलाइन यहां पे दिया है आई थिंक इन माई ओपिनियन दैट इसको आपको रिप्लेस करना है अगर कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो आंसर आपका डी बनेगा तो बताओ क्या करेंगे आई थिंक इन माई ओपिनियन दैट ओल दो क्या इन माई ओपिनियन इट सीम्स टू मी या फिर इट इज माई बिलीविंग क्या आंसर बनाएंगे सब बच्चे ठीक है राहुल बिल्कुल बी बनेगा करेक्ट आंसर है तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम क्या बनाएंगे क्या है यहां पे आई थिंक इन माई ओपिनियन दैट ओल दो ऑनेस्ट तो बच्चों यहां पे इसको रिप्लेसमेंट करेगा सिर्फ ए इन माई ओपिनियन ओल तो ऐसे बनेगा इन माई ओपिनियन ऑनेस्ट आर नॉट रियली सो ए आंसर बन जाएगा ठीक है जा रहा बिल्कुल ठीक है अनुराधा करेक्ट हो गया आंसर रूबी बिल्कुल ठीक है समझ में आ गया सब बच्चों को अगले क्वेश्चन को देखेंगे नंबर विल यू लेंड मी फ्यू रूपीज इन दिस आर ऑफ नीड है ना तो बताइए बच्चों क्या बनेगा विल यू लेंड मी फ्यू रुपीज इन दिस आरोप नीड क्या बनेगा बोरूमी अफ्यू रुपीज लेंड मी एनी लेंड मी एनी रुपीज लेंड मी अफ्यू रूपीज या फिर नो no इंप्रूवमेंट तो विल यू लेंड मी फ्यू रूपीज अफ्यू रूपीज द फ्यू रूपीज आज लिंक नहीं आया लिंक बच्चों किसी को भेजते नहीं है अब मैं जो लिंक है वो आपका इसपे टेलीग्राम पे मैं आपको छोड़ देता हूं तो वहां से सभी बच्चों को मिल जाता है तो आप अपने आप ही कैच कर लिया करें ठीक है मीनाक्षी हाँ बोरो नहीं बेटा देखो बोरो अगर आप कहेंगे तो बोरो का मीन से उधार लेना और लैंड का मीन से उधार देना तो यहां पर यू लैंड मी तो लैंड का मीन से लैंड मी फ्यू रूपीज अब आप देखो सब बच्चे जानते कि अगर मैं कहता हूं फिव रूपीज तो सबको पता है कि फिव नेगेटिव है इसका मीन से नो रूपीज लेकिन जब वो मांग रहा है तो इसका मतलब कुछ तो मांगेगा तो अफ्यू रुपीज आएगा बच्चों क्या बनेगा आपका अफ्यू तो आंसर आपका सी बन जाएगा क्योंकि अफ्यू रुपीज पॉजिटिव है जबकि फ्यू रुपीज हमेशा नेगेटिव है इसका मीनस नो रुपीज डन होगी बात तो आंसर आपका क्या बना यहां पे सी अगले क्वेश्चन पे आते हैं एटीन नंबर होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड वाई क्रॉसिंग द रोड रोड क्रॉस करते हुए अपने बच्चे का हाथ जरूर पकड़ के रखें तो बताओ क्या बनेगा होल्ड योर चाइल्ड हैंड्स होल्ड योर चाइल्ड हैंड हैंड ऑफ योर चाइल्ड या फिर नो इम्प्रूवमेंट बताइए सब बच्चे तो बच्चों बिल्कुल सही आंसर बनेगा हमारा बी योर चाइल्ड्स हैंड है ना क्योंकि एक ही हाथ तो पकड़ेंगे ऐसा तो नहीं होगा आप दोनों हाथ पकड़ के लेके चलेंगे बच्चे को ये बड़ा मुश्किल है है ना तो आपका आंसर क्या आएगा बी योर चाइल्ड हैंड होल्ड योर चाइल्ड हैंड वाइल क्रॉसिंग द रोड लिटरेचर बिल्कुल करेंगे किरण वाई नॉट वी वुड बी टेकिंग तो आंसर बच्चों आपका बन गया बी क्वेश्चन नंबर नाइनटीन हैव यू नोट रीच्ड इन टाइम वी वुड हैव लॉस्ट अवर लाइज तो बताओ हैव यू नोट रीच इन टाइम अगर तुम समय से नहीं पहुंचते वी वुड हैव लॉस्ट तो यहां पे देखो वुड हैव आया है तो हंड्रेड परसेंट बात है यहां पर हेड आएगा तो had यू नोट रीच इफ यू हैड हैड यू नोट रीच तो बच्चों क्या बनेगा यहां पे सी बनेगा आपका है ना हैड यू नोट रीच की जगह पे बस had हो जाएगा हैड यू not रीच इन टाइम वी would हैव लॉस्ट अवर lives. अगले क्वेश्चन पे आते ट्वेंटी 20 नंबर ट्वेंटी 20 नंबर देखो बच्चों क्या कहता है आपका जी बिल्कुल ठीक है अनसीन पैसेज भी बिल्कुल ना था करवाएंगे वाई नॉट यू मस्ट एक्स्टम योर सेल्फ विद न्यू आइडियाज तो बताओ अकस्टमड विद एक्स्टम टू एक्स्टम योर सेल्फ टू या बच्चों नो इंप्रूवमेंट क्या बनाएंगे यू मस्ट एक्स्टम योर सेल्फ विद एक्स्टम विद एक्स्टम टू या फिर एक्स्टम योर सेल्फ टू तो बच्चों मैं बता दूं सबको ध्यान अगर होगा तो आपको बिल्कुल सी आंसर ज्यादातर बच्चों ने बताया बिल्कुल सी ही करेक्ट आंसर है कस्टम के साथ बच्चों टू आता है और क्योंकि यहां पे योर दिया है योर सेल्फ तो इसको भी लगाएंगे विद्यू टू न्यू हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो ये यहां से हट जाएगा इतना पार्ट और यहां पे क्या आ जाएगा आंसर सी सबको समझ में आ गया अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों और अब आपके क्वेश्चन हैं लिटरेचर वाले तो लिटरेचर में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे आप ट्वेंटी वन ज एंड आर्टिकल्स हैब्लिस्ड अंडर द टाइटल आर्स इन अ लाइब्रेरी तो आर्स इन अ लाइब्रेरी यह किसके वर्क का टाइटल था बताइए बच्चों सब लोग आंसर करेंगे इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका हा जी आंसर कीजिए ट्वेंटी वन का आंसर क्या बनेगा आपका तो बच्चों आंसर बनेगा सी इट इज लेसली स्टीफन इट इज लेसली स्टीफन करेक्ट बच्चों बहुत अच्छे आंसर आपका सी बनेगा अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू हू हैव बीन पब्लिश्ड अंडर द टाइटल द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलाइव ये आपने कल भी देखा था क्वेश्चन बताइए क्या बनेगा आंसर वाइल्ड ओलाइव वाले का क्या बनेगा जोन सी आंसर आएगा बच्चों आपका करेक्ट एवरी वन हां जी ट्वेंटी वन का सी और ट्वेंटी टू का भी बच्चों क्या बनेगा आपका सी बनेगा डन अब आप आते क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया ओके okay, ओके okay. चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हु इज द ऑथर ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ एशेज एंटाइटल्ड मैन वुमेन एंड बुक्स जी बताइए हु इज द ऑथर ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ एशेज एंटाइटल्ड मैन वुमेन एंड बुक्स तो बच्चों ये हमारा है लेहंट क्या आंसर बनेगा बच्चों ट्वेंटी थ्री का सिक्सटी वन का आपका सिक्सटी वन का आपका ए आंसर बनेगा लेहंट अब आप देखेंगे ट्वेंटी थ्री पब्लिश्ड हु हैज पब्लिश्ड हिज एसेज अंडर द टाइटल द राउंड टेबल बताइए बच्चों राउंड टेबल के अंडर में किसने छापा है ओके okay, ठीक है बच्चों द राउंड टेबल ज पब्लिश हिज एस एजर अंडर द टाइटल द राउंड टेबल तो बच्चो इसका आंसर हमारा आएगा विलियम हैजलिट तो डी आंसर बनेगा आपका क्या आंसर बनेगा आपका यहां पर डी आंसर होगा क्या ये बात करेक्ट है सबकी तो ट्वेंटी थ्री का हमारा आंसर बना है बच्चों डी इज इट क्लियर टू एवरी वन कर पा रहे हैं सब बच्चे जी आंसर हां किरण बिल्कुल सही है डी आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर पे आते हैं बच्चों और ट्वेंटी फोर में देखो हैव अंडर द इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स तो बताइए आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा बच्चों डब्ल्यू एच पेटर डब्ल्यू एच हैड गिवन द एस अंडर टाइटल इमेजिनरी पोर्ट्रेट्स ठीक है जी करते जाएंगे सब बच्चे इन क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव देखें हू हैव अपीयर अंदर टाइटल मिड नाइट ऑन द डेजर्ट तो बताइए मिडनाइट ऑन द डेजर्ट किसका बनेगा बच्चों एल बी प्रिस्टले एल बी प्रिस्टले इट इज एल बी प्रिस्टले आंसर आपका सी बनेगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे सब बच्चे जी बिल्कुल सही है ऑल राइट right. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे आप लोग आपने देखा 25 अब देखेंगे ये 65 फाइव अंडर द टाइटल कैरेक्टर्स ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेज तो बच्चों आंसर बनेगा आपका सी जोसेफ होल इट इज जोसेफ होल हैड रिटर्न द एशेज अंडर द टाइटल ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेज ठीक है जी हाँ ठीक है डी आंसर ये सी बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स को देखेंगे सब बच्चे और ट्वेंटी सिक्स में देखेंगे जॉन विल्सन वाज़ द एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मैगजीन्स मार्क आउट द करेक्ट वन क्या आंसर बनेगा आपका तो ये बच्चों ए बनेगा ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन ये किसने लिखी थी जॉन विल्सन ने ही वाज़ द एडिटर ऑफ दिस बुक ब्लैकवुड्स एडिनबर्ग मैगजीन किरण ये क्वेश्चन पीडीटी के लिए नहीं बेटा ये क्वेश्चन आपके सुपर टेट के लिए पीडीटी टीडीटी हां टीडीटी पीडीटी में भी आते हैं सुपर टेट में आते हैं क्योंकि वही लिटरेचर वाले क्वेश्चन है वहां पे आपके यूपी टेट में भी आते हैं सी टेट में ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं बाकी और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं रूबी नहीं आ रहा है सर नहीं ये आंसर बन गया ना ट्वेंटी सिक्स का ए आंसर बन गया है आपका अच्छा क्वेश्चन टफ लग रहे हैं वो टफ इसलिए लग रहे हैं कि आपने इनको पढ़ा नहीं है बस आप तैयार करते जाएंगे इनको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन को देखेंगे सब बच्चे और बताएंगे ट्वेंटी सेवन विलियम गिफर्ड वॉज द एडिटर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी मैगजीन देखो क्या है यहां पर विलियम गिफर्ड तो बताइए आंसर क्या बनेगा तो बच्चों सी बनेगा क्वार्टरली रिव्यू ट इज क्वार्टरली रिव्यू अच्छा यूथ वगैरह में नहीं मिले हैं ये अलग से क्वेश्चन है रीना ये क्वेश्चन अलग क्योंकि वहां पे यूथ वगैरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं हम बिल्कुल बच्चों सी आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट का टाइटल थोट्स इन वाइल्डरनेस क्या है यहां पे थोट्स इन वाइल्डरनेस तो बताएंगे सब बच्चे क्या आंसर बनेगा आपका ये बच्चों डी बनेगा जेबी प्रिस्टले जेबी प्रिस्टले क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पे आते हैं कॉन्सियंस ऑफ द रिच द टाइटल अंडर विच द एशेज एंड आर्टिकल्स ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स वर पब्लिश्ड तो बताइए क्या बनेगा इसका ट्वेंटी नाइन का हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों ए बनेगा सीपी स्नो अच्छा ठीक है ठीक है ऑल राइट रूबी तो ट्वेंटी नाइन का बच्चों बन जाएगा ए आपका फिर आप आते हैं ट्वेंटी थर्टी क्वेश्चन पे द कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज ये तो बता दोगे बच्चों ये तो आसान है कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज तो क्या आंसर होना चाहिए यहां पे विलियम हेजलिट इट इज विलियम हेजलिट ये आपने क्वेश्चन पहले भी किया है अच्छा तुक्का चलो अभी तुक्का लगा रहे हैं, बट इनको तैयार कर लो ये आपके जूनियर वाले में सुपर टेट में सब जगह पूछे जाएंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आएंगे थर्टी वन में हु इज बिलीव टू बी द अर्लीएस्ट नॉबले नोटेबल राइटर ऑफ बायोग्राफीज इन इंग्लिश इंग्लिश में बायोग्राफी लिखने वाला इनमें से कौन था बच्चों बताइए तो ये बच्चों आंसर आएगा जॉन ऑबरे जॉन ऑबरे अगले क्वेश्चन पे आते थर्टी टू थर्टी टू का आंसर बनेगा वॉट इज द टाइटल ऑफ द वॉल्यूम बायोग्राफी इज रिटन बाई जोन ओब्रे जोन ओब्रे की जो लिखी गई बायोग्राफी उनका टाइटल क्या है तो बच्चों ये आंसर बनेगा आपका सी ब्रीफ इट इट इज हैज द टाइटल ऑफ ब्रीफ लाइव क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री पे आते हैं बच्चों आंसर बनेगा हमारा द लाइफ ऑफ द जॉनडन लाइव ऑफ द जॉनडन जॉर्ज हर्बर्ट रिबार्ज बाय ए बायोग्राफर हु इज द बायोग्राफर ये कौन सा बायोग्राफर है तो बच्चों ये हमारे इजाक वोल्टन इजाक वॉल्टन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पे आते हैं द लाइव्स ऑफ हाउ मेनी पोएट्स हैव बीन रिटर्न बाई डॉक्टर जॉनसन इन हिज लाइव ऑफ द पोएट्स इनमें से बच्चों कोई सा भी इसमें इसमें आपका बी करेक्ट है फिफ्टी टू बावन पोएट्स बोलो ये किया था आपने कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं रूबी ये क्वेश्चंस इनमें से काफी हाँ जूली बिल्कुल ठीक है 52 तो याद होगा ना सब बच्चों को बावन का लिखा था उन्होंने अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्टी फाइव डॉक्टर जॉनसन अन इंटेंशन लेफ्ट आउट राइटिंग द लाइफ ऑफ वन इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी पोएट तो बचाओ वो कौन सा कौन सा पोएट था जिसकी उन्होंने लाइफ को छोड़ दिया था तो यह आंसर बनेगा हमारा बी गोल्ड स्मिथ इट इज गोल्ड स्मिथ अगले क्वेश्चन पे आएंगे वेन व डॉक्टर जॉनसन लाइव ऑफ द इंग्लिश पोएट्स फर्स्ट पब्लिस्ड कब पब्लिश हुआ था बच्चों सबसे पहले तो ये हुआ था 1779 में इट वुज 1779 करेक्ट बच्चों जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं 37 सेवन थर्टी सेवन इज द ऑथर ऑफ अ नंबर ऑफ बायोग्राफीज अंडर द टाइटल क्या है टाइटल एमिनेंट विक्टोरियंस तो ये बच्चों किसने लिखी थी लिटन ने लिटन स्टार्ची ने डी आंसर जाएगा आपका डेविड शेसिल डेविड शेसिल हैज रिटन अ बायोग्राफी अंडर द टाइटल द स्ट्राइकन डियर हुज लाइफ हैज ही रिटन इन इट किसकी लाइफ को उन्होंने इसमें लिखा है किसमें लिखा है बच्चों द स्ट्राइकन डियर तो थर्टी एट का आंसर करेंगे ये बच्चों बी बनेगा आपका लाइफ ऑफ कॉपर लाइफ ऑफ कॉपर अगला देखेंगे थर्टी नाइन हु ऑथर ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया इसको तो बता सकते हैं सब बच्चे बताओ ये मुश्किल है क्या जरा बताओ बायोग्राफी या लिटरेरिया बच्चों किसने लिखा था डॉक्टर जॉनसन कॉलरेज हेजलेट या फिर हमारे मैथ्यू आर्नोल्ड किसको आंसर करेंगे आप यहां पर हाँ, बिल्कुल सही आंसर है कॉलरेज बहुत अच्छे तो देखो आंसर आपके आ रहे हैं अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हु हैज द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर जॉनसन डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी बच्चों किसने लिखी है फाइंड आउट बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका गोल्ड स्मिथ ई एम फॉरेस्टर वॉल्टर स्कॉट या फिर बॉसवेल थर्टी नाइन का बी बिल्कुल ठीक है ऑल राइट right. मीनाक्षी जूली सी आंसर इस वाले में आपने सी आंसर कहा मुझे लगता है बिल्कुल सही आंसर है इट इज जेम्स बॉसवेल है ना जेम्स बोसवेल ने लिखी थी लाइफ ऑफ डॉक्टर जॉनसन ठीक है जी तो आंसर हमारा सी आएगा यहां पे हां जी बिल्कुल सही है बॉसवेल बनेगा बच्चों अब हम आते हैं अब हमारा लास्ट हो गया है तो ये फोर्टी क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए थे तो मुझे बताइए हाउ डिड यू फाइंड द सेशन ये सेशन आपको कैसा लगा देखो मैंने इसमें सारी चीजें लिया आपकी ग्रामर को भी लिया है हमने यहां पे ग्रामर में कॉमन एरर से लेके आपके फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि प्रपोजिशन तक को लिया है और लिटरेचर भी इसमें इंक्लूड किया है तो बस एक प्रैक्टिस सेशन है मुझे नहीं पता इसमें ज्यादा बच्चे क्यों नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं या तो ऐसा है कि वो पेड कोर्स ही चाहते हैं कि उनको पेड कोर्स मिले तभी वो देखेंगे या फिर कोई और बात मुझे लग रही है तो बच्चों इस तरह से इसको लगातार वर्क करेंगे सब बच्चे बढ़िया से इन क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे वीडियो को शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें सब बच्चे जिससे कि ये सबको मिल पाए ठीक है जूली बहुत अच्छे तो चलिए बच्चों आज यहीं पे क्लास को ओवर करते हैं मिलते हैं कल फिर ठीक है जी ठीक है संध्या जूली रीना बहुत अच्छे बच्चों मीनाक्षी ऑल राइट थैंक यू सो मच थैंक यू एवरी वन ठीक है जी हंस जायरा ठीक है बच्चों all right all right sandhya rahul tkg okay.